तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ग्रो ऐप को यूज करते हैं चाहे म्यूचुअल फंड के लिए या फिर स्टॉक्स के लिए, तो ये वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। ग्रो ऐप में अगर अभी तक आपने नॉमिनी को ऐड नहीं किया है तो आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज। जी हाँ, 30 जून तक आपको ये काम करना होगा। पहले ये 31 दिसंबर तक था बट उसको एक्सटेंड किया गया था 30 जून तक। ये डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड दोनों के लिए ही है और आपको ये करना होगा या फिर ऑप्टिंग आउट करके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रो ऐप में अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रो ऐप को हमने ओपन कर लिया है और ओपन के बाद एज यूजुअल पासवर्ड देके आप लॉगिन हो जाएंगे और ऊपर में आपका एक आइकॉन दिख रहा होगा, प्रोफाइल पिक्चर जो भी है उसमें टैप करके आपको अकाउंट्स के अंदर आना है और यहाँ पे आपका नाम शो होगा। तो अकाउंट डिटेल्स में इस साइड पे आपको टैप करके अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे डिक्लेयर नॉमिनी का ऑप्शन शो होगा। अगर आपने नहीं किया होगा तभी ये शो होगा, अगर आपने पहले नॉमिनी ऐड कर दिया होगा तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर नॉमिनी पे क्लिक करके हम अंदर जाएंगे। यहाँ हमें बता रहा है कि ऐड नॉमिनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ पे सेबी का जो गाइडलाइंस है 30 सितंबर 2023 का दिखा रहा है। खैर ये पुराना है, अभी आप 30 जून तक कर सकते हैं 2024 का बता रहे हैं आपको, ये एक्सटेंड किया गया था। तो यहाँ पे नीचे ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे टैप करके आपको अंदर आना है और कुछ डिटेल्स फिल करना है नॉमिनी का। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में नॉमिनी का नाम जो है वो यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन शो हो रहा है। तो नॉमिनी का फुल नेम भरना है, फिर नीचे रिलेशन क्या है, आपका कौन है नॉमिनी, वो यहाँ से चूज कर लेना है। बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी है आपका वो आपके हिसाब से चूज कर लेना। और नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड जो भी है डाल देना। फिर उसके नीचे नॉमिनी आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ से आपको चूज करना है। हालांकि ऑप्शनल है लेकिन आपको करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो अच्छे से ही करना। तो आप यहाँ से जैसे कि हमने आधार कार्ड को चूज़ किया है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको पुट कर देना है। यहाँ पे नॉमिनी क्या बात हो रहा है, आपका आधार कार्ड मत डालना यहाँ पे। तो वो करने के बाद कॉन्फर्म आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो आधार कार्ड कॉन्फर्म करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस भरना है। तो नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे टिक लगा हुआ है, जो मेरा एड्रेस है वही अगर है तो टिक को लगा रहने देंगे, अगर अलग एड्रेस है तो टिक को हटा के हम यहाँ पे एड्रेस को मैन्युअली फिलअप करेंगे। खैर यहाँ पे हमारा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इसको टिक को लगा के यहाँ पे वही रहने देंगे। अब नीचे यहाँ पे अगर आपको और भी नॉमिनी जोड़ना है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 3 नॉमिनी तक आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड अनदर नॉमिनी पे क्लिक करके आप दूसरा नॉमिनी को भर सकते हैं और उसके बाद उसका परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट कौन सा नॉमिनी को देना चाहते हैं आप। खैर यहाँ पे हम ये सब नहीं करेंगे, हम एक ही नॉमिनी को फिल करेंगे। लेकिन हो सकता है आपको 2-3 नॉमिनी हो तो आपको बता दिया मैंने। उसके बाद नीचे यहाँ पे कॉन्फर्म करना है और आधार ई साइन के प्रोसेस के लिए आपको प्रोसीड करना है। आधार में आपको ई साइन करना है ओटीपी के थ्रू। तो यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू आधार ई साइन पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ई साइन का एक फॉर्म आएगा, एक नहीं यहाँ पे 4 फॉर्म आएगा नॉमिनी का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है फॉर्म का, आपको यहाँ पे साइन नाउ का नीचे ऑप्शन शो होगा तो साइन नाउ कर देना है और यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। आपको यहाँ पे एक टिक लगाने का ऑप्शन शो होगा, तो ये टिक को लगा के आप कंडीशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। फिर नीचे आधार नंबर डालने का ऑप्शन है, तो आधार नंबर को डाल के ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी देख के आपको एज इट इज फिल कर देना है, फिर नीचे वेरीफाई एंड साइन करना है। तो इस तरह से आप डिजिटली डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुल, इस तरह का सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, मतलब आपका हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉमिनी डिटेल्स रिसीव्ड अपडेशन इन CDSL विल टेक अप, इस तरह का मैसेज आएगा। और यहाँ पे जो नॉमिनी डिक्लेयर करने के लिए बोल रहा था वो हट चुका है और यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करके आप नॉमिनी जो भी भरे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ नंबर, ये सब शो होगा। अगर आपने सब सही सही किया होगा तो सही सही आएगा। इनकेस अगर कोई मिस्टेक आपने कर दिया है तो कॉन्टैक्ट करना है ग्रो ऐप कस्टमर केयर पे, कॉल करेंगे, वहाँ से आपको फर्दर जो भी प्रोसेस है उसको करना होगा। यहाँ पे नॉमिनी एडिट का कोई ऑप्शन ग्रो ने नहीं दिया है तो आपको कॉन्टैक्ट ही करना होगा कस्टमर केयर पे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप ग्रो में, मतलब डीमैट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये कर लेना होगा 30 जून से पहले पहले। अगर कोई भी चेंजेस आता है, डेट एक्सटेंड होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता दूंगा। और आप कौन सा ऐप यूज करते हैं म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी अपडेट्स वगैरह आएगा तो आप मुझे बता देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही,